ओके सो दिस इज द ओनली रीजन मेरे को दिल्ली जल्दी आना था क्योंकि भैया इस जगह की काया पलट हो चुकी है. मैं और क्या कह रहा हूं, कनाडा से तू यहां बर्बादी की राह पे चल रहा है. जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी रुक रहा है. शर्म नहीं आ रही भाई? शर्म वाली क्या बात. ओ भाई मेरी 6000 के क्रॉक्स. ओ डैम यार, $600 ब्रो. डैम ब्रो डैम, बस $600 ब्रो. मीठे पूरे महीने, पूरा महीना लग जाता YouTube पे कमाने के लिए. तुम्हें क्या पता साले, अभी तो ब्लॉग भी नहीं बना रहा था. कुछ भी ऐसे ही अपना. अच्छा, और ये फोन पे भी इसलिए बन रहा था कि चलते हुए रास्ते में एडिट हो जाए. घंटा करेगा तू एडिट, देख लियो. सुन लेना कुछ सुखा आदमी ना तू. हाय गाइस, व्लॉग होता ऐसा हो पूरी उड़ा दिया. महंगी बात चीज, फोन फ्लिप होते ही हम देखो कवर लगा के रखते हैं महंगा वाला, बट कनाडा में फोन सस्ते मिलते हैं इसलिए छोड़ के जाइए. अभी अभी हमारी एक गोप्रो की बैटरी की डील हो गया क्योंकि अब तो ये मोटो व्लॉग बनाता नहीं, अब ये डोमिनर चलाता नहीं. मैं गोप्रो से व्लॉग करता हूं. नहीं डोमिनर चलाती नहीं. अब आप डोमिनर ब्लैक देख जा रहा है, करण जा रहा है. देखियो करण कहाँ जा रहा है. करण पकड़ा गया. लड़का हमारा शरीफ है, बस प्याज खाता है. ये कनाडा रहता है. पहुंच गए जी, पहुंच गए. ये लाडर तो सो गया था, गाड़ी हमने चलाई है, मजा आ गया. लाडर गाड़ी खोल दे, वो खुल गई ऑटोमेटिक है. मैं बुड़ गया लाडर. ये तेरी टची है? है ना. ओके सो ये हमारा रूम है जो कि बहुत बढ़िया है. ओके सो हाँ, हमारा रूम है. यहाँ पे हम रहेंगे 2 दिनों के लिए, फिर हम निकल जाएंगे दिल्ली वापस क्योंकि हम आए हैं अनमोल की शादी पे. ठीक है, अभी तक आपको बहुत उबड़ खाबड़ व्लॉग दिखा होगा. अब वो मिलता था मैं, वो कनाडा रहता है, शादी करने आया है तो मैं उसके साथ आधा टाइम बिता रहा था. करण मस्त रूम है ना. कैसे होते हैं पिंपल? इनको पता चल जाता कि कहीं जाना है. नहीं ये पिंपल होते कैसे हैं? इनको पता चल जाता कि कहीं जाना है, अभी ये निकल आता. तो रीजन बताओ ना. अरे चल कहाँ भाग रहा है? सदियों बाद पहाड़ दिख रहा है मेरे को, सदियों बाद. मैं कितना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता. चलो मैं तो तैयार हूँ, कोई बात नहीं. लेकिन अगर हम इस व्यू में जा रहे हो तो मैं ज्यादा खुश होता. लेकिन इधर नहीं है, लेकिन पहाड़ है गाइस, पीछे पहाड़. अभी अगर मैं छोटे हैं लेकिन मुझे लगा कह रहे छुट्टी है, मैं कहने वाला था चल. आइए भैया, आंटी घुमा क्यों रही थी? है डोरिटोस लटक रहे हो और क्या चाहिए. द रियल लाइफ मिस्टर बीन गाइस, द रियल लाइफ मिस्टर बीन. सही है, बैग के अंदर पक्का. अपना ब्रश तोड़ के टूथपेस्ट सारा निकाल के ये तो कांटी करा था. कहाँ जा रहे हम? सुझा है नहीं रहा हूँ मैं. वादियों में. ओए ओए The next day. Okay, so it's the next day. और हम हैं हरिद्वार में. सीन कुछ ऐसा है कि कल था सगन और भैया वहाँ पे थी बड़ी ठंड और मतलब इतना ट्रैवल करने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था तो 12 बजे मैं रूम में आ गया था. और अभी तो फिर ये सारे आए सुबह 4-5 बजे, मैं 12 बजे आगे सो गया था. मैं तो मस्त फ्रेश हूँ और अभी बस मेरे को ना केमिस्ट पे जाना, एक दो दवाई लेने, थोड़ा पेन हो रहा है इसलिए. ठीक है, लेकिन मज़ा आ रहा है. ये बात तो है, डेस्टिनेशन वेडिंग में ये वाला तो सीन होता है कि थोड़ा हटके हो जाता है मामला कि दिल्ली से कनेक्ट करो
तो उतना मजा नहीं आता जो आपका होम टाउन है। तो पीछे तो फार्मेसी मिली नहीं, सो मैं करण की गाड़ी निकाल रहा हूँ और जो है देख के आते हैं। मैं हरिद्वार भी आज तक नहीं घूमा, अभी हम हरिद्वार में। और कायदे की बात है, मैं ऋषिकेश में नहीं आज तक घूमा। मैंने उत्तराखंड मान के चलो, जितना हिमाचल मैंने वो करा है ना एक्सप्लोर, उतना ही कम मैंने उत्तराखंड एक्सप्लोर करा है। बट यार इट इज ऑलरेडी भाई साहब, लुक एट द व्यू, मजा आया। और रोड भी देखो कैसा सा है जहाँ पे चला रहा हूँ। नहीं तो यू टर्न बहुत लंबा था, मुझे सामान मिल गया था तो मैंने ये वाला रास्ता चुना। इसके साइड में ही गंगा नदी और उसके मिडल में रोड। डैम भाई साहब, गूगल में बहुत गलत दिखा रहा था तो मैं वापस आ गया, वापस जा रहा हूँ। यू टर्न मार लिया मैंने, नहीं तो बस फंसा और जाता। एक ही सिंगल लेन रोड है ये वाली। Two hours later. अच्छे खासे वेन्यू पे आए थे, बस लटक गई। ये सरलता थी आज हमारी। अच्छा बढ़िया, कमीशन मिल रहा है ना ये बुक कर तो। The next day. Guys, अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली की तरफ, कहाँ से? हरिद्वार से। लेकिन एक बार फैक्ट है भाई साहब, नितिन गडकरी जी ने क्या हाईवे बना दिया भाई। ये हाईवे ना हरिद्वार से मुजफ्फरनगर से कटा है किसके लिए? पानीपत के लिए। अब मेरे को जाना है रोहिणी, तो दिल्ली तो मैं ना पूंगा नहीं अगर मैं नोएडा की साइड से जाऊंगा। भाई जस्ट लुक एट द हाईवे, दिस हाईवे इज फॉर बाइक फॉर श्योर। ये बात दिख गई है मेरे को कि इफ़ यू हैव अ नाइस परफॉर्मेंस बाइक, दिस हाईवे इज हेवन टू यू। और आई एम मिसिंग माई Z900। और बात वही है, Z900 भी कुछ छूने गई है। अब वो हम जब पहुंच जाएंगे और जब वो हो जाएगा तो दिखाएंगे, क्योंकि बाइक घर पे नहीं खड़ी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में चल रही हैं तो फटाफट दिल्ली पहुंचते हैं। और भाई साहब बहुत काम है, बहुत 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 बहुत। ओके सो दिस इज़ द ओनली रीज़न मेरे को दिल्ली जल्दी आना था, क्योंकि भैया इस जगह की काया पलट हो चुकी है। और सारी जर्नी आपको द पिट कैफे जो मैंने चैनल बनाया, एक्चुअली जो मेरा राघव टेक्निकल मास्टर राघव कटारिया वाला चैनल नहीं था ना, उसी को मैंने नाम चेंज करके वो कर दिया। मोनेटाइजेशन ऑन है ना उसकी, समझा करो। तो मेन बात है भैया यहाँ पे पेंट हो गया और बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस आई कॉन्ट वेट कि मैं इसको तैयार कर दूँ पूरे को और आप लोग इसमें आओ, मतलब मज़ा आया, मज़ा। ओके सो जो आप अभी बैनर देखने वाले हो वो अपना बैनर है। और वो किस चीज़ का बैनर है अभी दिखाता हूँ। वो दिख रहा है आपको ओपनिंग सीन, ये ओपनिंग सीन, ये अपना बैनर भाई साहब। इतना मतलब ये व्लॉग आप देख रहे हो, बहुत टाइम बाद देख रहे हो, बस आप समझ गए होंगे मैं क्यों बिजी था, किन चीज़ों में बिजी था। बस कल से प्रॉपर जर्नी में जो एक्चुअली घर भी शिफ्ट करा है तो प्रॉपर जर्नी में बताने वाला हूँ, बस बी रेडी। और बहुत मज़ा आने वाला है। ये व्लॉग काफ़ी ऊपर नीचे रहा है आई नो, बट यहाँ से जो व्लॉग आएंगे वो रेगुलर आएंगे, आई प्रॉमिस, आई शपथ, ठीक है। तो बस रेडी हो जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट, साथ ही साथ एक अच्छा लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों को।